बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 10 की बात करने जा रहे हैं, CS601। दैट्स द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एरर। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है जी टाइप्स ऑफ एरर। फर्स्ट ऑफ ऑल, एरर होता क्या है जनाब? तो एरर का मतलब ये होता है कि कोई भी एरर आ सकता है। देखिए यहाँ पे आप फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास सेंडर और रिसीवर है, उसका काम ये है। देखो ये सेंडर है और ये रिसीवर है। अब यहाँ से आपने डेटा को ज़रा सेंड करना है, ये आपका डेटा आ रहा है, ठीक है, ये आपका डेटा है। अब जब डेटा आता है ना, तो हो सकता है रास्ते में कहीं से आपकी जो वायर है, फ़र्ज़ कीजिए कि आप बसेस के ज़रिए, वायर्स के ज़रिए अपना डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं सेंडर से रिसीवर की तरफ, ठीक है। तो जो वायर होती है, फ़र्ज़ करो कि ये कहीं ना कहीं से करप्टेड है, ख़राब है, तो क्या होगा कि आपका डेटा लॉस होता चला जाएगा। तो बेसिकली दिस इज़ द एरर। इसे कहा जाता है कि हमारा डेटा जा तो रहा है लेकिन रिसीवर रिसीव नहीं कर रहा, तो ये एरर होता है। तो डेटा ट्रांसमिशन करता है, यानी डेटा ट्रांसमिट करता है अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस को, यानी कि या तो डेटा चेंज हो जाता है किसी ना किसी नॉइज़ की वजह से, किसी ना किसी वजह से, या डेटा पहुंचता ही नहीं है। इसे कहा जाता है कि हमारे पास एरर्स कहलाते हैं। देखें जी, सिंगल बिट एरर, हमारे पास दो टाइप्स के एरर होते हैं, सिंगल बिट एरर और ब्रस्ट एरर या ब्रस्ट। अब मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा, लेकिन सिंगल बिट एरर को ज़रा समझिए। देखिए, मैंने डेटा बिट्स की फॉर्म में हमारा डेटा ट्रांसफर होता है, मैंने डेटा को सेंड करना था 1 1 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा आया हुआ था। 1 1 0 मैंने डेटा को अगर जो है वो भेजना था, मेरे पास डेटा किसी ना किसी वजह से आ गया 1 0 1 नहीं 1 1 0 है, तो यहाँ पर समझ लें कि 1 1 और 1 आ गया, ठीक है, ये 0 नहीं है, ठीक है। इसको आप रिमूव कर दें, या मैं आपको दोबारा से रिमूव करके दिखा देता हूँ। सिंगल बिट का मतलब होता है कि खाली एक ही बिट हमारे पास ख़राब है। देखें, आपके पास एरर क्या था, यानी कि आपके पास टॉपिक ये था 1 1 1 के 1 1 0 आपने सेंड करना था, लेकिन हमारे पास जो रिसीव हुआ वो हुआ 1 1 और 1। तो देखो ये जो 1 0 है ना, ये तब्दील हो गया किसमें, 1 में। तो इसका मतलब है ये सिंगल बिट एरर है, कि हमारी जो एक बिट है वो ख़राब हो गई। तो अगर खाली एक बिट ख़राब होगी तो वो सिंगल बिट एरर कहलाएगा। और अगर टाइप्स ऑफ एरर वही, अब दूसरी है जी ब्रस्ट एरर, अगर एक से ज़्यादा ख़राब होंगी तो वो ब्रस्ट होगा। जिसमें देखो 1 1 0 यही हमारे पास है, लेकिन पहुंचा क्या हमारे पास, पहुंचा जनाब 1 0 और 0, ये हमारे पास पहुंचा। तो देखो 1 और 0, ये दो बिट्स हमारे पास ख़राब होगी ना, तो जब ये दो बिट्स ख़राब होंगी इसका मतलब है ये ब्रस्ट एरर है। मींस 2 or more बिट्स इन द डेटा यूनिट है चेंज 1 to 0 और 0 to 1, यानी 1 0 में तब्दील हो गया और 0 1 में तब्दील हो गया, इसे ब्रस्ट एरर का नाम हम देते हैं। याद रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, पेपर में मस्ट है कि आपका एमसीक्यूज़ यहाँ से आएगा ही आएगा। एक दफ़ा समराइज कर रहा है जी पूरी जो हमने अभी बात की है। तो सिंगल बिट एरर बेसिकली ऐसा एरर होता है जो आपको एक बिट को, आपके डेटा जो आप पहुंचा रहे हैं उसमें खाली एक बिट करप्टेड है, एक बिट खराब है। जबकि ब्रस्ट एरर वो एरर होता है जिसमें एक से ज़्यादा बिट्स खराब हैं, 2 या 2 से ज़्यादा बिट्स अगर ख़राब होंगे तो वो ब्रस्ट एरर जो है हमारे पास कहलाएगा। अब सिंगल बिट एरर और ब्रस्ट एरर की ज़रा आपको फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है, जिसमें मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी। देखिए यहाँ पे 0 था, यहाँ पे ये 1 ले आया, तो ये 1 जो है ना, ये देखो यहाँ पे बाकी सब सेम है लेकिन ये 0 के बजाय 1 होगा, तो ये सिंगल बिट एरर है। अब मल्टीपल एरर्स को देखें तो यहाँ पे देखें 0 1, यहाँ पे 1 0 उल्टा हो गया, फिर 1 था 0 हो गया, फिर 0 था 1 हो गया, तो इसे कहते हैं ये ब्रस्ट एरर है। तो सिंगल बिट में और ब्रस्ट में ये फ़र्क याद रखिएगा, डिफ्रेंशिएट पेपर में आपसे पूछा जाता है और पूछते हैं। रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का मतलब होता है जनाब कि अगर आप एरर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप रिडंडेंट बिट्स को साथ भेजते हैं। जिस तरह देखो मैं भेजना चाहता हूँ 1 1 0 1, तो मैं इसके साथ ज़रा एक्स्ट्रा बिट्स भेजूंगा कि अगर कोई बिट मेरी करप्ट भी हो जाती है ना तो एक्स्ट्रा बिट मेरा डेटा पहुंचा दे। तो इसको कहते हैं रिडंडेंट बिट्स, यानी कि 1 1 1 0 और 1। अब देखो यहाँ पे ये जो 1 है ना, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, एक्चुअल डेटा 1 1 0 1 था, एक्चुअल डेटा 1 1 0 1, लेकिन जो 1 है ये वाला एक्चुअल, यानी ये वाला डेटा जो है मेरे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो इसको कहते हैं ये रिडंडेंट बिट्स है, यानी रिडंडेंसी। इसमें क्या जी, कंट्रोल कॉन्सेप्ट, सेंट्रल कॉन्सेप्ट जो है हमारा डिटेक्ट करता है और करेक्ट करता है। अगर हमने एरर को करेक्ट करना है तो हम रिडंडेंट बिट्स का या रिडंडेंसी का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या करता है आपको डिटेक्ट करके देता है एरर को, कहाँ पर आपका एरर आया। जिस तरह कि ये 1 अगर करप्ट हो गया ना, तो इस 1 के बजाय क्या होगा, ये दूसरा 1 चला जाएगा, तो हमें पता लगेगा कि एक बिट ख़राब है। अगर 2 बिट्स हमने साथ एक्स्ट्रा लगाएंगे तो 2 बिट्स अगर चेंज होंगे तो हमें पता लगेगा 2 बिट्स, यानी कि हमारा डेटा इतना ख़राब हो गया या इतना हमारा डेटा जो है वो ख़त्म हो गया। तो इसको कहते हैं रिडंडेंट बिट्स। अब डिटेक्शन में और करेक्शन में क्या डिफरेंस है जनाब?
डिटेक्शन का मतलब आपको नाम से ही लग रहा है कि आपको एरर को डिटेक्ट करके देता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर हमने एरर को डिटेक्ट करना है तो हमने एरर को ढूंढना है तो वो डिटेक्शन है, और अगर एरर को हमने ठीक करना है तो वो करेक्शन है। सीधी बात, करेक्शन इज मोर डिफिकल्ट फ्रॉम द डिटेक्शन। इंपॉर्टेंट लाइन याद रखें, करेक्शन, क्योंकि एरर को ढूंढ लेना ठीक है, वो आप रिडंडेंसी की जगह भी ढूंढ सकते हैं, यानी कि रिडंडेंसी से भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन जो करेक्शन है ना कि अब एरर को ठीक कैसे किया जाए, वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड काम है। तो ये बात इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में पूछी जाती है। एरर डिटेक्शन में क्या होता है जी, वी आर ओनली लुकिंग टू सी, हम देखते हैं अगर एरर हमारे पास ऑकर हुआ, यानी कि डिटेक्शन में हमें सिर्फ ये देखना होता है कि एरर डिटेक्ट हो रहा है, हमें हमारा डेटा खराब हो गया या नहीं हुआ, बस ये एरर डिटेक्शन है। जबकि करेक्शन में हमें ये देखना होता है एरर डिटेक्ट हुआ है तो कहाँ पर जाके हुआ है और कैसे ठीक किया जाए, किस तरह मिनिमम टाइम के अंदर हम एरर को ठीक कर सकते हैं, तो ये हमारे पास एरर करेक्शन होता है। दोबारा से वही बात, दोबारा से वही लाइनें कि अगर हम हमने एरर को करेक्ट करना है तो एरर करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा बिट्स को लगाते हैं। देखें एक्स्ट्रा बिट्स बेसिकली क्या होता है, अटैच होती हैं, जिसको हम रिडंडेंट बिट कहते हैं या रिडंडेंसी का नाम हम जो है वो देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका एरर डिटेक्शन का टॉपिक था। नेक्स्ट आप आए जी कोडिंग के ऊपर। अब कोडिंग का क्या मतलब है, सिंपल जो आप कोडिंग करते हैं उसका मतलब कोडिंग है। रिडंडेंसी अचीव की जाती है वेरियस कोडिंग स्कीम से, आप मुख्तलिफ कोडिंग स्कीम को इस्तेमाल करते हैं रिडंडेंसी को अचीव करने के लिए। रिडंडेंसी होती क्या है, क्यों करते हैं, अगर हमने एरर को करेक्ट करना है, एरर को डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए हम रिडंडेंसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखो उसको हम मुख्तलिफ कोडिंग स्कीम लगाएंगे कि सेंडर जो है वो क्या करे, ऐड करे रिडंडेंट बिट्स को, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपने रिडंडेंट बिट्स को ऐड करवाना है तो आप क्या करेंगे, आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बिट्स को साथ भेजेंगे ताकि आपको एक्चुअल डेटा कितना खराब हुआ है वो पता लग जाए। जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी 1101, इसको डिलीट कर देते हैं, ओके 1101, तो देखो मेरे पास डेटा जो है वो पहुंचा 10। अब मुझे पता ही लगा कितनी बिट्स खराब है क्योंकि मुझे एक्चुअल डेटा नहीं पता, लेकिन यहाँ पे तो नजर आ रहा है कि सिर्फ चार है, आपके पास लाखों की तादाद में बिट्स होती हैं, तो रिडंडेंट बिट्स एक्स्ट्रा भेजेंगे तो मैं पता लगेगा कि इतना एक्चुअल डेटा था, इतना पहुंच गया, इतना करप्ट हो गया, तो ये हमारे पास रिडंडेंसी का फायदा होता है। ठीक है, तो ये कोडिंग का काम होता है जो कि आपको कोडिंग करके दिखाता है। सिंपल कोडिंग की डेफिनेशन याद कर लें, रेशियो जो है रिडंडेंट बिट्स की डेटा बिट्स के ऊपर जो क्या करता है, रिबूटनेस टू ऑफ द प्रोसेस आर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनी कोडिंग स्कीम। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कोई भी कोडिंग स्कीम है उसके ऊपर जो रेशियो है रिडंडेंट बिट्स की, यानी कि कितनी बिट्स आपने एक्स्ट्रा भेजी हैं, कितना ज्यादा आपने काम एक्स्ट्रा किया, तो डेट इज बेसिकली कॉल्ड द कोडिंग, यानी कि रिडंडेंट बिट्स की जो रेशियो होती है उसको कोडिंग का नाम हम जो है वो देते हैं। टाइप्स ऑफ कोडिंग स्कीम आ गया, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपका एज वेल एज इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया। लेकिन जी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोडिंग स्कीम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एक एमसीक्यू के हवाले से भी पूछा जाता है। तो कोडिंग स्कीम जो है ना, हम इसको डिवाइड करते हैं दो ब्रॉड कैटेगरीज में, यानी कि दो कैटेगरी में हम जो है वो कोडिंग स्कीम को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज ब्लॉक कोडिंग, सेकंड वन इज कन्वलेशन कोडिंग। अब ब्लॉक कोडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है और ये हमारे रोजमर्रा जो लाइफ है उसके अंदर भी इसका ज्यादा इस्तेमाल है। ब्लॉक कोडिंग क्या होता है जी, इसमें हम अपने मैसेज को डिवाइड करते हैं के बिट्स के अंदर। के बिट मीन्स के अनलिमिटेड बिट्स हैं, जिसको डेटा वर्ड कहा जाता है। रिमेंबर ब्लॉक कोडिंग के अंदर हम के बिट्स के अंदर अपने मैसेज को डिवाइड करते हैं। जिससे आप फर्ज कीजिए, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अगर काम करके दिखाऊं, देखिए हमारा डेटा जो नेटवर्क के ऊपर जाता है ना वो हमेशा बिट्स की फॉर्म में जाता है। अब वो कैसे बिट्स की फॉर्म में जाता है, राउटर उसको एक्सेस करता है, वो आप आगे जाके जब नेक्स्ट किताब पढ़ेंगे CS 610 उसके अंदर आप देखेंगे, लेकिन अभी आपने बस इतना सा इतनी सी बात को ज़रा याद रखना है। देखिए मैं कुछ भी यहाँ पर लिखता हूँ ना, अब फर्ज कीजिए मैंने ये डॉक्यूमेंट लिखा, इसमें कोई भी चीज़ हो सकती है, हाई मैंने यहाँ पर लिखा जी हाई IMY। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास मामलात हैं, यानी कि जो हमारे पास मुख्तलिफ डेटा है, इसको पहले तो मेरा कंप्यूटर 01 की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुख्तलिफ फॉर्म में डेटा कन्वर्ट हो रहा है, देखें इस तरह से, ये वो डेटा है जो कि अभी मेरे कंप्यूटर ने मेरे लिए कन्वर्ट किया। फर्ज कर लो आप कि इसका मतलब है जी हाई आई एम अ बॉय, लेकिन ये 01 01 ये जरा हमारे लिए याद करना जरा मुश्किल काम है। तो अब हम क्या करते हैं,
हम यहाँ पे टेक्निक अप्लाई करेंगे जी ब्लॉक कोडिंग की। हम कहते हैं कि ये जो डेटा है ना, इसको के बिट्स के अंदर, यानी के बिट्स के अंदर इसको डिवाइड कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देखो अब ये हो सकता है कि वो क्या करे, 0 1 कर दे, फिर 1 0 कर दे, इस तरह से वो उसको डिवाइड कर देगा के बिट। वो हमें नंबर नहीं पता कितने नंबर हो सकते हैं, वो अनलिमिटेड है या वो लिमिटेड है, वो डिवाइड करने वाली टेक्निक जाने, जो कि हमने एक प्रोग्राम ऑलरेडी लिख दिया है, वो आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू सारा काम हमारा हो जाएगा। अब देखिए जो रिडंडेंट बिट्स है वो क्या करता है, टू ईच ब्लॉक, हर ब्लॉक को स्ट्रेंथ को लेंथ को मेक करता है एन इक्वल टू के प्लस आर। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एन इक्वल टू के प्लस आर। इसका मतलब है कि के का मतलब जनाब वो बिट्स जो कि आपने डिवाइड की हुई हैं, और प्लस आर, आर का मतलब है रिडंडेंट बिट्स, और ये टोटल अगर मिल जाएं तो ये हमारे एक्चुअल डेटा के बराबर आएगा, जिसको हमने एन का नाम दे दिया। आपकी मर्जी आप एन कहते हैं, चूंकि ये बाय डिफॉल्ट नेम है। एन बेसिकली इज द टोटल फॉर्म ऑफ डेटा व्हेन वी एड के बेसिकली इज द नंबर ऑफ बिट्स, बेसिकली दिस इज द मैसेज दैट वुड डिस्ट्रीब्यूट द डिफरेंट बिट्स, एंड आर इज द रिडंडेंट बिट्स। जब ये दोनों प्लस करेंगे तो ये एन के बराबर बन जाएगा, वही बात बता रहा है। और ये एन जो है इसको कहते हैं, ये हमारे पास कोड वर्ड्स होते हैं या हमारे पास ब्लॉक्स हैं, जिसको हम कोड वर्ड का नाम देते हैं। अब देखिए जी, एरर डिटेक्शन, वही नाम से पता लग गया। अब आप एरर को डिटेक्ट करना चाहते हैं, सिंपल काम है। एरर को डिटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे आप कोड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अब वही बात है कि देखो आपने छोटे छोटे हिस्सों में इसको डिवाइड किया हुआ ना, 0 1 0 1। अब ये बिट्स आपको पता है कि इतने हिस्सों में हमें डिवाइड कर दिया गया, इतने हिस्सों में हमारे पास डिवीजन हो गई। अब आप फर्ज करो, हो सकता है ये पहले वाली 0 1 ना पहुंची हो सकता है ये आखिरी, ये जो 3 1 1 1 है ये भी ना पहुंचे हुए हो, तो ये आपको पता लगे ओहो ये तो पहुंचा ही नहीं है, तो यहाँ पर ये इतना, ये जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक है ये नहीं पहुंचा, तो ये डेटा करप्ट हो गया। इतना नंबर ऑफ डेटा या इतनी बिट्स हमारी करप्ट हो गई हैं, और इतनी जो रिडंडेंट बिट्स है वो हमने यूटिलाइज कर ली हैं। तो यहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये हमने एरर को डिटेक्ट कर लिया, यहाँ पर एरर आ गया। आपको देखो मैंने आपको बताया ना कि ये सारी बिट है, अब 1 1 1 इसमें आपको पता लग गया कि ये ब्लॉक नहीं पहुंचा, तो ये आपने एरर को डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ पर एरर जनरेट है। अब एरर को करेक्ट करना वो आप कैसे करते हैं, वो फिर आप मुख्तलिफ कोडिंग स्कीम्स इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ आप वर्किंग देखते हैं कि फिजिकल हार्डवेयर में कोई मसला तो नहीं है, या नेटवर्क पर कहाँ पर इशू आ रहा है, या हो सकता है बसेस में इशू आ रहा हो, तो वो आप फिर जाके जरा डिटेक्शन की तरफ चलते हैं, आप करेक्शन की तरफ चलते हैं। तो ये डिटेक्ट का काम होता है। अब सिंपल वही है, ओरिजिनल कोड वर्ड को आप चेंज करते हैं जी इनवैलिड वन के अंदर, यानी कि जो वैलिड वन एक ही आपका मैसेज है ना, आप उसको दोबारा उसमें चेंज कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे सेंडर क्या करता है, सेंडर ये कोड वर्ड है यानी कि उसका मैसेज है, इसको एन बिट्स में, ये अनरिलायबल ट्रांसमिशन है। आप समझ लें कि जो ट्रांसमिशन है वो सिग्नल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो वायर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। अब वो क्या कहता है, देखो जब इसने जहाँ पे जाना है ना, तो ये ओरिजिनल, ये रिसीवर है, सेंडर ने क्या किया मैसेज को सेंड कर दिया। अब जो मसला होता है वो यहाँ पे होता है, हो सकता है कि आपके सिग्नल कहीं पे लॉस हो जाए, या वायर कहीं पे ब्रेक डाउन हुई भी हो, या कोई नॉइस आ जाए, कोई एक्सटर्नल ऑर्डिनरी अनऑथराइज पर्सन आपके डेटा को एक्सेस कर ले, ये तमाम तर हमारे इश्यूज आते हैं। तो इसको एक्सेस या इसको सेव करने के लिए हम जो है वो मुख्तलिफ ब्लॉक कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल ये जो आपकी है ना ओवरऑल स्लाइड रिपीट है, इसको आप एक दफा देख लीजिएगा। एग्जाम्पल के ऊपर आए जनाब, एग्जाम्पल में क्या है जी, लेट अस अज्यूम, अब अज्यूम कर लें के बराबर है 2 के, एन बराबर है 3 के। वो ये भी आपने फार्मूला याद रखना है कि एन इक्वल टू के प्लस आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो के है, और इसको ऐसे करते हैं के प्लस आर, देखें यहाँ पे आर नहीं दिया लेकिन एन और के दे दिया, तो यहाँ आप यहाँ से बड़ी आसानी से जो है वो वैल्यू को निकाल सकते हैं, सिंपल काम है यहाँ पे, ठीक है। करना क्या आपने काम, मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, आप किसी तरह से भी डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, 00 या आपके डेटा वर्ड है, जिस तरह बिट्स में करते हैं ना, CS302 आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं डिजिटल लॉजिक डिजाइन, वहां पे आप कहते हैं 0 फिर 0 फिर 1 और फिर 1, तो इस तरह आप डेटा को जो है वो मुख्तलिफ बिट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये कोई एक रेंज नहीं है, यानी कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको ऐसे ही करना है, या ये कोई ये बात नहीं है कि आपने जो है वो जो इसने यहाँ पे लिख दिया वो पत्थर पे लकीर है, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी लिखें। कोड वर्ड्स ये हैं, देखो एक एक बिट को आपने इजाफा कर दिया, क्योंकि ये रिडंडेंट बिट को ऐड करेगा ना, अभी मैंने आपको बताया, तो 0 के साथ 0 को ऐड कर दिया, 1 के साथ आपने 1 को ऐड कर दिया। डेटा वर्ड देखिए यहाँ पे वही वाले कि डेटा वर्ड 0 1, आप फर्ज कीजिए 1 और 0, एक बिट यहाँ पे करप्ट होगी, तो कोड वन क्या होगा, 101। यानी सिंपल ये काम है, पेपर में जो पेपर आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी वो ये पूछी जाएंगी कि आप कोड वर्ड बता दें, आप डेटा वर्ड बता दें कि डिफाइन की फॉर्म में होते क्या है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कोड वर्ड का काम है भी नंबर ऑफ बिट्स को जरा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो रिडंडेंट बिट्स के साथ ट्रांसफर करना, ताकि हमें क्या पता लगे, हमें ये इस चीज़ के बारे में हम जरा वेरिफिकेशन कर लें कि हमने किस तरह से अपने डेटा को डिटेक्ट करना और जो कोड है उसको एक्सेस करना या करेक्ट करना है।
हमिंग डिस्टेंस क्या होता है जी? हमिंग डिस्टेंस बेसिकली बिटवीन टू वर्ड्स ऑफ द सेम साइज इन द नंबर ऑफ डिफरेंट शेड या डिफरेंस बिटवीन द क्रॉस्पॉन्डिंग बिट्स। इसका मतलब होता है कि हमारे पास क्रॉस्पॉन्डिंग बिट्स हैं, सेम साइज है उनका, और इसी के साथ साथ जो हमारे पास बिट्स है ना वो डिफरेंट हैं। इसको बिल्कुल आप इस तरह समझ लें, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखो 10101 ये आपके पास एक बिट है, अब इसका मतलब कुछ और है, फर्ज करें इसका मतलब कुछ भी आ सकता है, लाइक वाई, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बिट्स है वो है 0101, देखिए ये चेंज है लेकिन ये भी सेम है ना, ये भी 5 बिट्स हैं, ये भी 5 बिट्स हैं, तो इसका मतलब आप फर्ज कीजिए आता है जनाब गर। अब ओह सॉरी डर लिखा गया गर। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स तो सेम है लेकिन मतलब चेंज है दोनों का, इसको कहा जाता है हमिंग डिस्टेंस। यानी कि आपको बताया जा रहा है कि बिटवीन टू वर्ड्स एक्स एंड वाई हमिंग डिस्टेंस बिटवीन रिसीव कोड वर्ड एंड सेंड कोड वर्ड इन बिट करप्टेड। ये बिट करप्टेड का जो भी क्राइटेरिया उसके अंदर इस्तेमाल होता है, या आपको ये बताता है कि हमिंग डिस्टेंस जो है रिसीव्ड और जो सेंड है कहाँ पर जाके मसला आया है, कहाँ पर जाके हमारे पास एरर का हमें सामना करना पड़ा। एग्जाम्पल देखो ये क्या कह रहा है, हमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर, दो पेयर हैं 0001011, यहाँ पे क्या है 10101 और 111 और 0। अब यहाँ पे आपने करना क्या है ये देखें। अच्छा इसने पहले आपको बता रहा है मिनिमम, इसका फार्मूला बता रहा है, उसके बाद एग्जांपल सॉल्व करवाएगा। मिनिमम हमिंग डिस्टेंस जो है ये स्मॉलेस्ट हमिंग डिस्टेंस है, आपको नाम से पता लग रहा है, मिनिमम मिनिमम का मतलब है स्मॉलेस्ट, ठीक है। और मैक्सिमम अगर होगा तो मैक्सिमम का मतलब क्या होगा, डेफिनेटली लार्जर। अब इसका फार्मूला क्या है जी, डी मिन यानी कि मिनिमम में एस प्लस वन। अब एस क्या है, एस आपके डिटेक्टेबल यानी कि जो आपने बिट्स डिटेक्ट किया ना कि ये बिट्स हमारी ज़ाया हो गई, यहाँ पे वो आएगा यानी कि डिटेक्टेड एरर आएगा। डी मीन यानी मिनिमम हमिंग डिस्टेंस सिंपल, और वन एक वेरिएबल है जो कि आपने सिंपल प्लस वन वन कर देना है। अब ये पेपर में कैसे आती हैं, ये आपको दी होती है, यानी कि आपसे कहा जाता है कि आप मिनिमम हमिंग डिस्टेंस, एम फॉर मिनिमम, एस फॉर हमिंग और डी फॉर डिस्टेंस। अब मिनिमम हमिंग डिस्टेंस को मालूम करें, अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए, डी इक्वल्स टू एस प्लस वन। ये एस आपको दिया गया होगा, सिंपल आपने प्लस करके वन करना है तो आपका वो जवाब आ जाएगा, सिंपल काम है ये, सिंपल। इस तरह से आपको जो है वो हमिंग डिस्टेंस के बारे में पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे डी मिन आपको दिया हुआ है 4, आपको क्या कह रहा है हाउ मेनी एरर्स। अब आपने एरर्स को निकालना है, एरर क्या था यहाँ पे देखो, ये नंबर ऑफ डिटेक्टेड एरर। अब ये कैसे करना है, यानी ये फार्मूला डी इक्वल टू एस प्लस वन। अब ये देखें मैं यहीं पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, इसने भी आगे जाके की होगी लेकिन मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। डी मिन इक्वल्स टू एस प्लस वन, देखें आपने यहाँ पे नंबर ऑफ एरर्स यानी कि एस को निकालना है, सिंपल डी मिन किसके बराबर है 4 के, ये प्लस वन है तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा जी, -1 हो जाएगा, और ये बराबर किसके आएगा, एस के आएगा, तो ये आ जाएगा 5 इक्वल्स टू एस, ये जवाब आ जाएगा। यानी ये 5 हमारे पास एरर जो हैं हम अब वो जनरेट हो चुके हैं इस काम में, ठीक है। तो ये आपने इस तरह इसको देख लेना है, लीनियर ब्लॉक कोडिंग। ओके यहाँ पे जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं उन्होंने मुझे मेरी मिस्टेक बता दी है, आई एम रियली सॉरी, मैं यहाँ बाई मिस्टेक जो है वो प्लस कर गया, 4 -1 इक्वल टू एस आ जाएगा, तो ये 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इसका जवाब आएगा, ये बाई मिस्टेक मैंने 5 कर दिया था, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 आएगा, 5 नहीं आएगा, राइट। तो ये हमारे पास एरर्स निकल आएंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास लाइन ब्लॉक कोडिंग है। लाइन ब्लॉक कोडिंग में सबसेट है जी ब्लॉक कोड का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव और की बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइन ब्लॉक कोडिंग में। ये आपका जो कल आया हुआ था क्विज आया हुआ था 15 या 20 नंबर का, वो मैंने काफ़ी क्विज किए हुए थे पेड, तो वहाँ पे ये हर क्विज में रिपीट हुआ हुआ था। एक्सक्लूसिव और कहाँ यूज़ होता है, लाइन ब्लॉक कोडिंग में, याद रहे एक्सक्लूसिव और को हम यूज़ करते हैं लाइन ब्लॉक कोडिंग के अंदर। एग्जाम्पल देख लें जी लाइन लीनियर ब्लॉक कोडिंग की, यहाँ पे क्या है पहले इसको समझ लें कि हमारे पास नंबर ऑफ वन जो है ये नॉन जीरो कोड वर्ड है जो कि 2 2 है, यानी कि दो दो हमारे पास नंबर ऑफ वन हैं, इस तरह दो दो जीरोज हो सकते हैं, तो मिनिमम हमें डिस्टेंस वही काम 2 आ गया। यानी कि देखो आपको सिंपल ये वैल्यू दे रहा है, ये तो भी टेबल्स की फॉर्म में बता रहा है ना, वैसे आपको बताएगा प्रॉपरली कि आपने किस तरह से वर्किंग करनी होती है। आगे देखें जी पैरिटी चेकिंग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन इक्वल टू के प्लस वन, ये याद रखिए लीनियर ब्लॉक कोडिंग का फार्मूला है। मोस्ट कॉमन एरर्स और डिटेक्ट, यानी कि जो सबसे ज़्यादा एरर को डिटेक्ट करने के लिए हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं ना, वो पैरिटी कोड चेकिंग है। इसके बगैर हम जो है वो एक ऑथेंटिक वे नहीं बना सकते। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक्स्ट्रा बिट को सेलेक्ट करते हैं ताकि हम टोटल नंबर ऑफ वंस को और टोटल जो कोड वर्ड है ना, यानी इवन नंबर ऑफ वंस को चेकआउट कर सकें कि इवन है या ओड है। अब ये देखें 0 0, अब ये क्या रही डेटा वर्ड्स हैं, एक एक बिट का इजाफा करते हैं, सिंपल यहाँ पे देखो एक एक बिट का उसने इजाफा कर दिया, फिर डेटा वर्ड दोबारा देखो, अब यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 ये 8 दफ़ा ले रहा है, फिर 8 दफ़ा वंस ले रहा है,
इस तरह से आप एक एक बिट में सिंपल इजाफा करते हैं। देखिए कोड वर्ड है ना, अब ये आखिरी गेम यहाँ पे वन वन वन, इसका सबका साथ आपने इजाफा करना है। क्यों इजाफा करना है? आपने जहाँ पे वन होगा वहाँ पे आपने जीरो का इजाफा कर देना है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे इसने इजाफा किसका किया? वन का। यहाँ पे देखें जीरो है, तो यहाँ पे इसने किसका इजाफा किया? वन का। तो यहाँ पे आपने देखो जीरो, यहाँ पे वन है तो यहाँ पे वन का कर देना है, यहाँ जीरो है तो यहाँ पे वन का कर देना है। तो ये आपने एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड करना है, वन है तो जीरो, जीरो है तो वन, एक्स्ट्रा बिट्स को आप ऐड करें। अब ये देखें, ये जरा पेपर में यहाँ से आता कुछ नहीं है, लेकिन सिंपल सिंपल आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहे हैं। डेटा वर्ड्स, कोड वर्ड, कोड वर्ड याद रहे एक्स्ट्रा होता है, फिर कोड वर्ड्स और फिर डेटा वर्ड्स। इस तरह से चक्कर होता है कि ये जनरेट हो रहा है यहाँ से देखो डेटा जो है ना ये जनरेट कर रहा है, फिर ये चेकिंग हो रही है, यानी कि जनरेशन के बाद चेकिंग। अब यहाँ पे देखें ये दोबारा से चेकिंग हो रही है, ये चक्कर हो रहा है, यानी कि अब ये रिसीवर क्या कर रहा है, भेज रहा है ना, तो यहाँ डेटा जनरेट हो रहा है, यहाँ चेक हो रहा है, फिर रिसीवर तक जा रहा है। यानी कि इस टेक्निक में पहले डेटा को चेक किया जाता है, उसके बाद पहुँचाया जाता है। अब साइक्लिक कोड्स, इसमें साइकिल्स होते हैं, इसका मतलब ये होता है, देखिए आपको खुद बता रहा है, इफ द कोड वर्ड, अगर कोड वर्ड जो है वो साइक्लिक शिफ्टेड होता है, यानी साइकिल रोटेट करता है। जैसे देखो 1011000 ये कोड वर्ड है, इसको आप जरा साइक्लिक क्रिएट करें, यानी कि इसको आप दोबारा उल्टा क्रिएट कर दें। वन देखो उल्टा से मुराद ये है कि वन है तो जीरो कर दो, जीरो है तो वन कर दो। अब यहाँ पे देखें दोबारा वन वन फिर जीरो जीरो, सिंपली बता रहा है कि ये इसका कोड वर्ड है, यानी कि उल्टा वर्ड आप कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आपने सारे करने हैं, आप 2 बिट्स कर लें, 3 बिट्स कर लें, 4 बिट्स कर लें, बट ये बात याद रहे कि ये आपस में कोड वर्ड है, यानी 011, मतलब आप इसको एक तरह से साइक्लिक क्रिएट कर सकते हैं, इसका उल्ट ले सकते हैं। अब साइक्लिक रिडंडेंट चेक, वही बात कि जब अब आपके पास एक साइकिल तो होगा, यानी समझ लें ये साइकिल है, लेकिन आपने ज़रा एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड कर दिया है, तो ये साइक्लिक रिडंडेंसी चेक है। आपका ना पेपर एमसीक्यूज के ऊपर डिपेंड होता है, और एमसीक्यूज आप कह लें कि 60% आपके एमसीक्यूज आते हैं जनाब, मैंने 12 दफ़ा आपको बताया हुआ है, आपकी एब्रीवेशंस के, ये वाली एब्रीवेशन की, जिसने कह रहा है साइक्लिक रिडंडेंसी कंट्रोल, तो ये वाली आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा इसको आप देख लीजिए, ये वाली आप लोगों ने याद करनी है, छोड़नी नहीं है ये वाली, ठीक है। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, CRC स्टैंड फॉर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ठीक है, यही बात बता रहा है। इस तरह लैन है लोकल एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ये बातें जरा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर आए तो वही कोड वर्ड देखें, इसमें क्या कर रहा है, इसमें एक्स्ट्रा बिट को ऐड कर रहा है, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड कर रहा है, सिंपल आपने कोड वर्ड को बस देखना है। उसके आगे दोबारा स्लाइड को रिपीट कर रहा है, उसके आगे CRC कोडर और डी कोडर, इसमें भी वही काम है कि आपका डेटा यहाँ से जनरेट हो रहा है, यहाँ पे देखें चेकिंग हो रही है, इस तरह यहाँ से जनरेट हो रहा है, ये देखें ये चक्कर लगा हुआ है जो कि आपके डेटा को ज़रा चेक कर रहा है कि किस तरह से आपने काम करना है। अब इसके एडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेज ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। एडवांटेज ये हैं, सिंगल बिट एरर है, डबल एरर है, ऑड नंबर ऑफ एरर है, ब्रस्ट एरर है, ये सबको आप डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। साइक्लिक कोड से सिंगल बिट एरर को, डबल एरर को, डबल एरर का मतलब कि जो आपको 2 से ज़्यादा बिट को करप्ट करके देता है, इस तरह ओड नंबर, यानी कि आपको पता है ना ओड नंबर वो नंबर होता है जो कि 2 के ऊपर डिवाइड नहीं होता, तो जिस तरह 3 बिट्स का कोड आ गया, यानी कि 3 बिट्स खराब हो गई, 5 बिट्स खराब हो गई, 7 बिट खराब होगी, उसको डिटेक्ट करता है। और ब्रस एरर, अनलिमिटेड अगर एरर आ गए तो उसको भी ये जो है वो एक्सेस कर लेता है। और इजी इम्प्लीमेंटेशन है इसकी जनाब, और ये फास्ट इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि इजी भी है और फास्ट भी है, आप बड़ी आसानी से इसको जो है वो इसके ऊपर काम कर सकते हैं। चेकसम, ये भी एक एरर डिटेक्शन टेक्निक है, इससे भी आप जो है मोस्टली नेटवर्क के एरर्स को डिटेक्ट करते हैं, बस इतना बात, इतनी सी बात याद कर लें। चेकसम बेसिकली इज द एरर डिटेक्शन टेक्निक डेट इज यूज टू डिटेक्ट द एरर, सिंपल काम है। और ये याद रहे कि ये जो है वो इसके ऊपर काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, चेकसम मोस्टली यूज एट द नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, याद रहे, ओवरऑल डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम नहीं करता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर और डेटा लिंक लेयर, चेकसम मोस्टली काम करता है ट्रांसपोर्ट के ऊपर, डेटा लिंक लेयर के ऊपर ये काम नहीं करता है, ये आपके एमसीक्यूज आता होता है पेपर के अंदर। उसके आगे चेकसम देखें टेक्निक, वही ग्राफ की सूरत में आपको बता रहा है, ये जनरेटर है, जनरेट कर रहे डेटा को, यहाँ पे हम चेकिंग कर रहे हैं, जो भी हमारा डेटा है यहाँ पे चेक किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेटा जनरेट होता जा रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन ये चेक करके दे रहा है कि अगर कोई एरर है तो उसको निकाल देगा या डिटेक्ट करके आपको बताएगा यहाँ पे एरर आ गया, इसको ठीक कर लें। कॉन्सेप्ट बिहाइंड चेकसम क्या कह रहा है जी, कॉन्सेप्ट है द आइडिया ऑफ ट्रेडिशनल चेकसम, जो पुराने जमाने में होता चला आ रहा है उसकी एग्जाम्पल आपको दिखाने लगा आगे। द
देखिए ये है, आपके पास मुख्तलिफ नंबर्स होते थे जिसको आप कहते थे कि ये इसी रेंज में जाना चाहिए, इस रेंज में अगर चला जाएगा तो क्या होगा, सिंपल काम है, इस रेंज में जाएगा तो ये वाले अगर सेम आते हैं नंबर तो हमें कोई एरर नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास नंबर चेंज हो गए, आगे पीछे हो गए, मिस हो गए, तो वो कोई ना कोई एरर हमें दिखा देगा। अब इसके लिए फार्मूला देख लें जनाब, यहाँ पे आपके पास 36 है, यानी कि जिसको बाइनरी फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी बाइनरी आपको कन्वर्ट करना आता है ना, सिंपल इस तरह एलसीएम लेंगे ना 36 का, तो जो रिमाइंडर बचता जाएगा वो बाइनरी रहता जाएगा। 10 की पावर 2 प्लस, इसको यानी देखो क्या किया इसने, डिवाइड कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे, और इसको बराबर किया 0110 के। अब ये 0110 कैसे आया, 10 है ना, 01 मतलब सिंपल इसको बाइनरी के अंदर इसने कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इन दोनों को प्लस कर दिया। प्लस कैसे किया जाता है, देखिए 0 10 और 0, इस तरह 10 का आप नीचे रखें, 1 और 0, देखो 00 क्या आता है, 0 ही आता है, 01 1 1 एज इट इज 1 और 0, तो देखो ये इसने प्लस कर दिया 0100, तो यहाँ पे 010 मेरा ये आंसर आ गया। सिंपल इसने इसको तोड़ा, पहले तोड़ने के बाद इसको क्या किया, ब्रेक करने के बाद इसको सिंपल प्लस कर दिया, तो ये इसने यहाँ पे सिंपल टेक्निक इस्तेमाल की है। ये हमारे पास ट्रेडिशनल टेक्निक है जो कि हम इस्तेमाल करते थे। आगे देखें तो फॉरवर्ड एरर करेक्शन, फॉरवर्ड का मतलब है कि अगर एरर मिले तो उसे फॉरवर्ड कर दो, यानी रीट्रांसमिशन कर दो अगर पैकेट्स में एरर है। आपको पता है डेटा आपको पैकेट्स की फॉर्म में मिलता है, आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो रेड लाइन से पहले व्हाइट लाइन आगे आ रही होती है, अब शायद अपडेट होगी वो भी रेड ही हो गई है, लेकिन वो जो रेड लाइन आती है वो पैकेट्स की फॉर्म में डेटा बना होता है। तो फॉरवर्ड एरर करेक्शन का मतलब होता है कि आप अपने एरर को फॉरवर्ड करते हैं कि ये फलां एरर है, इसको आप फॉरवर्ड कर दें, और वो फिर आप मुख्तलिफ स्टेशन पे पहुंचा देते हैं, और वहां से फिर हमारे पास जो टेक्निक्स है ना, यानी वहां से हमारे पास एरर करेक्शन की जो टेक्निक्स है वो स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ तक सेकंड पॉइंट में आपको ये बता रहा है कि हम करेक्ट करते हैं एरर को और रिप्रोड्यूस करते हैं पैकेट को, यानी कि जब आपका कोई एरर आ जाता है ना, उस एरर को फिर करेक्ट किया जाता है और बाद में उसको रिप्रोड्यूस कर दिया जाता है, यानी कि उस पैकेट को दोबारा जनरेट करके आप तक पहुंचाया जाता है। तो इसे कहते हैं जी हम करेक्ट करना है एरर को, किसी को एरर को निकालना या फाइंड करना। अब हमिंग डिस्टेंस देखें, हमिंग डिस्टेंस में वही बात कि इसमें भी ये एरर डिटेक्शन टेक्निक है जो कि आपके एरर को फाइंड करती है और उसको ठीक करती है। फार्मूला बस देख लें, 2t+1, ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। अब देखो सिंपल, ये आपको तमाम तो वैल्यूज गिवन है और आपने इनको जो है वो एक दफ़ा हो सॉरी आपने इस वैल्यू को एक दफ़ा जो है वो चेकआउट कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक आपका लेक्चर जो है वो खत्म हो गया, लेक्चर नंबर 11 यहाँ से स्टार्ट होगा। सिंपल एक दफ़ा समराइज कर दूँ अगर मैं टोटल लेक्चर को, तो इसके अंदर आपने ये देखना था कि आपने फर्दर जो है वो काम किया एरर की डिटेक्शन के ऊपर और एरर की मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, कि एरर को डिटेक्ट करना, एरर को, और जब याद रहे कि डिटेक्शन के अंदर क्या होता है, जब भी हम करते हैं ना काम, यानी कि जब एरर आता है तो हम उसको रीजनरेट करते हैं पैकेट को, एरर को फाइंड करने के बाद और ठीक करने के बाद। ये आपका चैप्टर नंबर 10 था। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 की बात करेंगे, डेटा लिंक कंट्रोल, जिसको DLC कहा जाता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके MCQs के हवाले से। DLC स्टैंड फॉर डेटा लिंक कंट्रोल। यहाँ तक हम अपने लेक्चर को रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।